अम्दुल्ला हे कम असल चुसलो अल सईयदेल मुरसली وخاتم نبيين أبي القاسم محمد اللهم صل تیبین دائرین معصومین سب مل کے دعا امام سما اللہم گلے والے گاہ وجد بن الحسن <سؤال> صلوات عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليان وافدا وقائدان وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه ارضك تواه हो फिया तबीला रहमत गया में <coughs> बिस्बिल्ल रहमान रहीम रबिश रह सदरी वसरली अमरी वाहिलाुतमलसानी यफ़हू कौली अमबात बसमिल्लर रहीम्ला असल्को मलय अजरन अलमवद तफ़ी क़ुरबा सलवा पड़े महमद दुआ है परवरदार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाली में कबूल फरमाएँ और जिस मकसद जिंदगी और इबादत की खातिर ये मजालस रखी जाती हैं ख़ुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबिया नसीब फरमा दें कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ज़िंदगी का दार मदार हब और बस पर है अल्लाह मोहब्बत का दुश्मन नहीं क्योंकि मोहब्बत लाही जज्बा है इसी तरह गुस्सा नफ़रत ये जज्बात भी जो अल्लाह ने दिए हैं ये भी जज्बे हैं एक जज्बा जमाल इलाही का मजहर है एक जज्बा जलाल इलाही का मजहर है जब हम मोहब्बत करते हैं तो ये मजहर जमाल है जब हम गुस्सा करते हैं तो ये मजहर मजहर जलाल है। और कायनात अगर चल रही है इस कायनात में अगर हम जी रहे हैं तो आप किसी की ज़िंदगी से मोहब्बत को निकाल दीजिए डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं तभी कहा कि हमने शादी में सुकून रखा हमने औलाद में सुकून रखा लेकिन यही सुकून कभी फितना बन जाता है यही औलाद कभी बायश फितना हो जाती है यही मोहब्बतें लोगों को लड़ाती हैं कभी जैसे अयाम फ़ातिमिया शुरू होते हैं तो एक अजीब सा माहौल कराची का बन जाता है अब एक इलाके से हम आ रहे हैं वहां पे एक बंदे का घर भी जला दिया गया पुलिस वैन भी जला दी गई सिर्फ इस पर आपने तारीखी कुछ शख्सियात के नाम दिए हैं यानी ये मोहब्बत इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती कभी ये मोहब्बत तनाकज में बन जाती है एक बंदा शिद्दत से आपको पसंद है दूसरे को नहीं पसंद एक बंदे से आप शिद्दत से नफरत करते हो अगला बंदा उससे शदीद मोहब्बत करता है अब यहां पर शख्सियात में क्लेश पैदा होता है अब कोई ना कोई तो मैार होना चाहिए ना उम्मत के लिए इंसान के लिए कि मैं किस से मोहब्बत करूं और किस से ना करूं यह कैसा तनाक़ुज है कि आधे मुसलमान एक से मोहब्बत कर रहे हैं और आधे मुसलमान किसी और से मोहब्बत कर रहे हैं तो यहां पर जो तनाकज पैदा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि दो चीजें इंसान के लिए हुज्जत को तमाम करती हैं। एक हुज्जत तमाम होती है इलम के जरिए दूसरी हुज्जत तमाम होती है नूर के जरिए कि मेरे यार इमाम फरमाते हैं कि हम इमाम तुम्हारे ऊपर हुज्जत हैं, है हुजुल्ला हम अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए हुज्जत हैं। और यहां पे मकाम सैयदा इतना बड़ा कि फरमाते हैं कि हमारी दादी जहरा हम पर हुज्जत है हाँ। सलवा पड़े भी शाम पर हम अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं वाक करवला हो या वाक सैदा हो या वाक फदकिया हो मैं आ कहता हूं वाकयात को लड़ाने के लिए ना पढ़ा जाए ये कदगन ये पाबंदी मसलन मुशाजराते साहब को बयान न किया जाए वह किस हदीस में आया किस रिवायत में आया एक वाक़ जंग का खुदा सूर्य हदीत में बयान कर रहा है नू का बेटा है नूह की ना फरमानी करता है अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है लूत की बीवी है गलती करती अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है याकूब के बेटे नबी के बेटे हैं भाई को फेंक देते हैं हसद की बुनियाद पर अल्लाह वाकया बयान कर रहा है पांच मिनट के लिए मुसलमान ये सोचे भाई कुरान किस्सों की किताब नहीं कहानियों की किताब नहीं ये बच्चों को लोरियां सुनाने वाली किताब नहीं है कि मैं किस्से सुनाऊं कहानियां सुनाऊं ताकि इस बच्चे को नींद आ जाए अगर खुदा किस्से और कहानियां सुनाता तो एक लाख एक कम चौबीस हजार अंबिया थे और सुनाने पर आता तो शायद एक सौ बाईस जिलदे भी कम पड़ती लेकिन पूरी तारीख इंसानियत से चीदा चीदा किस्से सुना रहा है किस लिए ताकि तो इबरत सीखो एक मरतबा हमारे मुल्क में इसलिए झगड़ा होता है बांग्लादेश को फलाने तोड़ा कुछ कहें बांग्लादेश को फलाने तोड़ा सासतदान कहें आपका कसूर था वो कहें आपका कसूर था एक तो झगड़ा इस पर चले ना एक तो बात ये हम तारीख को पढ़ें और इबरत सीखें और उस इबरत से ये सीखें कि अगली बार कोई ऐसा नुकसान न भरा जाए एक तो ये लड़ते ही रहें आप उसे ब्लेम करें वह आपको ब्लेम करें ये तो झगड़ा खत्म होने वाले का नहीं है हम कहें कि हकली के साथ था वो कहें हकली के दुश्मन के साथ था इस बात से तो कुछ मिलने वाला नहीं है सवाल यह है कि तुमने जंग के सिफीन से क्या सीखा तुमने जंग के खंदक से क्या सीखा तुमने मैदान अहद से क्या सीखा तुमने सुबह कदम में अली को देख कर अपने वजूद में क्या पाया भाई काद आजम की शख्सियत को बयान किया जाए तो क्यों बयान किया जाता है अगर उन्होंने कुछ मौसर कारनामे अंजाम दिए हैं तो बच्चों को बताए जाते हैं भाई फलाने ये काम किया है अल्लाह इकबाल की यह शायरी है इसी तरह तारीखी शख्स यहाते हैं हम भी तुम्हें बताते हैं कि अली ने क्या किया तू भी बता कि अली के दुश्मन ने क्या किया ऐसे-ऐसे तारीख में बा जान बचाने के लिए बेहयाई पे बे उतर आते हैं और अली को अगर शहादत नहीं मिलती तो नबी के सामने रोते हैं या रसूल अल्लाह चचा हमजा शहीद हो गए अली अब तक जिंदा है यह तारीख हमें क्या सिखाती है तारीख इबरत के लिए है लड़ाइयों के लिए नहीं कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें भी उस सिंफ में लगा दे कि हम वाक जनाब सैदा को लड़ाई के लिए इस्तेमाल करें किस शिया जवान को नहीं पता कि कातिल सैयदा कौन है किस अहलबैत के मानने वाले को नहीं पता कि हक किसने नहीं दिया था मामलात और माजारा क्या थे तो मेरा जो तरीके बयान है उसमें मैं मद्द मुकाबिल को इबरत की तरफ ले आऊं ताकि वो तारी से कुछ सीखे इमाम रजा की एक हदीस है आ, आ, मेरा मौला फरमाते हैं कि गए बचे इमाम जमाना में हमारी क्या ड्यूठी है कहा जो गैबत इमाम में लोगों को ये एहसास दिलाएं कि तुमने हुज्जत खुदा को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की अगर तुमने दामन अल को थामा होता आज मुसलमान कहां होता अगर तुमने हक को हक की जगह पे रखा होता आज तुम कामयाबी के मनारों के ऊपर होते यह एहसास दिलाना है उम्मत को यह एहसास दिलाना है मुसलमान को कि अगर तुमने दामन अहलबैत को छोड़ा नुकसान अहलबैत का नहीं नुकसान तेरा हुआ अली को हुकूमत तो न देने से अली का नुकसान नहीं है नुकसान उम्मत का है हसन को हुकूमत न देने से नुकसान बोला हसन का नहीं नुकसान तेरा है यह बिल्कुल ऐसे कोई कहे में मोहम्मद को नहीं मानता तो नुकसान रसूल का नहीं नुकसान उम्मत का है को यह कहे कि यहूदी कहे कि हम ईसा को नहीं मानते कौम बनी इसराइल कहे कि मूसा हम हारून को नहीं मानते तो नुकसान मूसा का तो नहीं है नुकसान हारून का तो नहीं है नुकसान उम्मत का है तो फरमाया जो इस मंजिल पर आते हैं ना गैबत इमाम में यह काम करते हैं खुदा उन्हें हक यकीन या हकुल रूह की मंजिल पर खुदा फाइज करता है एक है रूह मुताहर एक है रूह यकीन और यह मंजिलत इतनी बड़ी है कि अम्बिया रश खाते थे कि खुदाया हमें महदी के मुंतजरों में से करार दे दुआएं हैं एक नबी है खुदा के नबी हकूक उनकी दुआओं में है कि खुदाया मुझे महदी या मुंतज़र के मुंतजरों में करार दे छठे इमाम की दुआएं हैं मतलब जो गैबत इमाम में इस मकसद को पूरा करें मकसद कैसे पूरा होगा भाई आप यूनिवर्सिटी तो जा रहे हो आप काम काज तो कर रहे हो आप शादियां भी कर रहे हो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं बिजनेस भी कर रहे हो लेकिन अब जब यह काम करना है ना तो एक इंतजार इमाम की ऐनक लगा के काम करना है काम तो वैसे ही हो रहा है बिजनेस तो बंदा वैसे ही कर रहा है लेकिन विलायत इमाम जमाना की एनक लगा ले इंतजार इमाम जमाना की एनक लगा ले कि जो मैं कर रहा हूं उससे इमाम जमाना को क्या फायदा होगा जो मैं कर रहा हूं उसको मेहदीय फातिमा को क्या फायदा होगा अगर फायदा है तो यही बिजनेस उस लाइन में है ना कि मैं लोगों को एहसास दिलाऊं कि तुमने हजत खुदा को छोड़ के कितना बड़ा नुकसान किया यही एहसास सैदा मदीने वालों को दिला रही है कि हजत खुदा के लिए दो चीजें हैं ड्यूटीज ऑफ इमाम दो हैं एक ड्यूटी ये है वतवा सऊबल हक वतवा सऊब साबर इमाम दो चीज़ें अगर इमाम के पास ना हो तो इमाम इमाम नहीं है आज ये मकाना सवाल है कि शियों से पूछा जाए कि कुरान में इमामत का जिक्र है इमाम एतबार ख़ास कुरान में खुदा ने लफ्ज इमाम का जिक्र किया मुसलमान नबी को तो जानते हैं रसूल को तो जानते हैं लेकिन आज तक जो चैप्टर ऑफ इमामत है बिलखस हजरत हारून की इमामत हजरत इब्राहिम की इमामत का जिक्र हुआ ये इमामत कौन सा मकाम है और कितना बड़ा मकाम है उसमें वाकई जनाब खिजर कुरान में मौजूद है खिजर नबी उल लजम है यह आप सवाल किसी भी मुफ्ती और मौलवी से करिए मैं गारंटी देता हूं कोई जवाब नहीं दे पाएगा कि यह बताएं कि खिजर का मकाम क्या है नबी उल लजम है और जनाब खिजर उसे सिखा रहे हैं और शर्त और पाबंदी पर जनाब मूसा को साथ रखा कि मूसा जो कहूंगा करोगे ऐतराज नहीं करोगे कश्ती पर सवार होते हैं और वो कश्ती को सोरा कर देते हैं हजरत मूसा नबीमाम नबी एहकाम कभी क्या कर रहे हो लोगों का हक है और हक जाया कर रहे होकूक उन्नास को पामाल कर रहे हो एक बंदा जिसने तुझे कश्ती पर सवार किया और आपने उसी कश्ती को सोरा कर दिया मैंने कहा था ना खामोश रहना है यह कौन सा इल्म है जो हजरत खजर के पास है अगर इस इलम गैब का नाम नहीं दोगे तो किस इल्म का नाम दोगे ये कौन सा इल्म है जो नबी उल आजम को तरबियत दे रहा है नबी उल आजम को यह कौन सा मकाम है नबी का मकाम है रसूल का मकाम है वली का मकाम है इस मकाम को आज का मुफ्ती क्या नाम देगा जो हजरत खजर का मकाम था कि नबी को बता रहा है मतलब उनका इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है बाद में पता चला जो वक्त का हाकिम था वो कश्तियां ले रहा था किसी जंग पे जाना था और उसने देखा कश्ती में सौराख है तो सोराख की वजह से कहा यह इस कश्ती को मैं कैसे ले जाऊं ये जंग में जाएगी तो पहले से है और उसने कश्ती को छोड़ दिया फिर आगे बढ़ते हैं गांव वाले हैं जो इनको खाना नहीं देते पत्थर मारते हैं गांव से जलील करके बाहर निकाल दिया जाता है गुस्से में हजरत मूसा कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं की खाना नहीं दिया नबी को पत्थर मारे बदतमीजी करके गांव से निकाला वहीं पे रोड के बीच में एक टूटी फूटी दीवार है उन गांव वालों की हजरत खिजर कहते हैं मूसा आओ इस दीवार को बनाते हैं कहा अजीब काम कर रहे जिन्होंने हमारे साथ ये काम किया और आप उनके गांव की दीवारें बना रहे हैं कि हमने कहा था ना सवाल नहीं करना माजरा और मामला वहां पे खराब हुआ जब एक जीता जागता बच्चा जा रहा है और हजरत खजर आगे बढ़ते हैं और उसका गला दबा देते हैं मूसा नबी यह काम है ऐसा ही बंद कोई बंदा किसी बंदे को मारे फौरन आप पुलिस को फोन करेंगे बेगुनाह को मार रहा है यहां पे मूसा को बर्दाश्त नहीं हुआ आप क्या कर रहे हैं जिंदा बच्चे को मार रहे हैं जिस बच्चे का कोई गुनाह नहीं मैंने कहा नबी है काम है नबी है काम है काम की बुनियाद पे चलता है ने कहा मैंने पहले कहा था ना खामोश रहो इसके बाद हजरत मूसा को छोड़ दिया रसूल खुदा की हदीस है अगर मूसा सब्र करता अल्लाह वो देता जिसका मूसा ने सोचा भी नहीं था इमाम वतवा सऊबा सऊ कई जवानों के जहन में भी यह सवाल आता है कि हजरत खिजर ने ऐसा क्यों किया तो समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं एक मरतबा गली में कोई बंदा आता है किसी जवान को पकड़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है या फौरन पुलिस को फोन करोगे भाई उस बंदे के गर्दन में फांसी का पंदा डाल के उसे कतल कर रहा है पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी दूसरी तरफ जेल में चले जाएं एक बंदा जेल में है फांसी घाट पे काम करता है वो डेली बेसिस पे लोगों को फांसियां दे रहा है उस पर कोई एतराज नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि जज ने उसकी फांसी की सजा सुनाई है वो वही कर रहा है जो जज ने कहा है ये आयने हुक्म है ये आयने अहकाम है अब अगर फांसी घाट पे किसी के गर्दन में पंदा डाले और फांसी दे कोई एतराज नहीं करेगा और वही बंदा फांसी घाट से बाहर आ और गली में आकर किसी को पंदा डाले सारे लोग उसको पकड़ के जेल में भेज देंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो वहां पे ताहिद थी काजी की जज की क्या आप इसे फांसी दे सकते हो दूसरी चीज इलाही को समझिए एक बच्चा साइकिल चला रहा है चलाते चलाते अचानक आंख में मच्छर चला गया अचानक उसकी आंख बंद हुई और थोड़ी देर के लिए आंख का बंद होना था सामने खड्डा था और साइकिल उसमें गिरी और इसका सर जमीन पे लगा और बच्चा मर गया ये मच्छर क्या था अल्लाह की तरफ से मामूर था अगर खुदा न चाहता। ना चाहता कुरान की आयत है ना कि कोई भी पत्ता जमीन पे नहीं गिरता जो अल्लाह के इल्म में होता है वो मामूर था बल्ला अल्लाह की तरफ से आंख में जाना था और इस बच्चे ने मरना था अगर वो चीज ना भी हो अचानक से बच्चे ने अपना हाथ बुलंद किया और उंगली अपनी आंख में डाली थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई सामने खड्डा है और बच्चा मर गया जिस तरह एक मच्छर अल्लाह के हुक्म की तात कर रहा है हाथ की उंगली अल्लाह के हुक्म की तात कर रही है इसी तरह अंबिया भी पाबंद हैं हुक्म परवरदिगार आलम के अब कहा यह बच्चा बड़ा होता और अपने माँ बाप को जलीलुखार करता बचपन में खुदा ने इसे उठा लिया मसलत के अतबार से मजूफ़ फरमाते इसे मैदान अरफा में भेजा जाता है मरने के बाद और वहाँ पर खुदा इसको अपना अजर देता है वो सारी कायनत को अपनी मसलहतों की बुनियाद पर चलाता है लेकिन ये कौन सा मकाम है जो खुदा ने जनाब खजर को दिया है ये मकाम मकाम इमामत है इमाम लोगों पे हुज्जत को तमाम करता है हुज्जत तब तमाम होती है जब उसमें दो क्वालिटी हो सैयदा की जब ज्यारत पढ़ते हैं असलम की या मुमतःन थी इम्तहन किल्ला कबल अन यखलुक की इससे पहले कि आपको खल्क किया जाता खुदा ने आपका इम्तहान लिया था इम्तहान मासूम क्या है कल की मजलिस में इशारा किया एक होता है तवाुर लफ्जी एक होता है तवाुर मानवी एक होता है तवारे मौजू मुख्तलिफ रावियों ने एक ही हदीस को चंद एक ही सेम अल्फाज में नकल किया मसलन तो मौला मौला सैकड़ों हदीस आई इन्हीं अफाज में से कहते तवातुर लफ्जी एक मरतबा रसूल ने कहा कि अली तुम मेरी तरफ से मोमिनों के अमीर हो कभी कहा मेरी तरफ से मोमिनों के नकीब हो कभी कहा वजीर हो कभी कहा खलीफा हो अल्फाज मुख्तलिफ हैं पर माना एक है आपने मेरी मजलिस सुनी और घर में जाके इस बंदे ने कहा मौलाना नहीं यह कहा उसने का मौलाना नहीं ये कहा माना एक थी लेकिन अल्फाज क्या थे अलग अलग थे एक है तबातुरे मौजू सब ने नकल किया मसलन खंदक में अली बड़े बहादुर थे खैबर में अली बड़े बहादुर थे जंगे होद में दुनिया भागती रही पर अली न भागे यह तबातुर मौजू है कोई अहले सुन्नत का भाई कोई मुफ्ती ये इनकार नहीं कर सकता कि अली बहादुर न थे हर जंग में ये साबित हुआ कि अली तालिब साबित कदम था ये तबतुर मौजू है मतलब बहादुरी अमीरमिन किसी से ढकी छुपी नहीं है शुजात अमीरिन किसी से ढकी छुपी नहीं है इल्म अली तालिब किसी से ढका छुपा नहीं है यह मौजूद है बहादुर थे अब इम्तहान जब खुदा लेता है ना तो कल मैंने कहा था खुदा इस एतबार से इम्तिहान लेता है अली के लिए यह इम्तिहान नहीं कि अली तलवार लड़ाएं कि बोला जाए अली फला मैदान में जंग है मसलन ईरान से लड़ने जा रहे हैं रूम से लड़ने जा रहे हैं आप आइए ये आपका इम्तहान अला ही है कि आप आकर तलवारबाजी करें मोला के लिए इम्तहान नहीं है इम्तिहान ये है कि अली को बोला जाए तलवार को नयाम में रखा जाए ये एक बहादुर का इम्तिहान है ना रसूल की जबां जो मुस्तजाब दावा है इम्तहान रसूल ये नहीं कि लोगों को बददुबा दें और खुदा दुबा को कबूल करे यही तो फर्क नूह और फर्क मोहम्मद है नूह ने बददुवा दी और अल्लाह ने सैलाब को नाजिल किया लेकिन रसूल पे इतनी मुसीबतें आई हाँ। पत्थर मारे गए लेकिन कभी जबा से बदुवा नहीं दी कभी सकीना ने बददुआ नहीं दी कभी बीबी जैनब ने बदुआ नहीं दी कभी इमाम हुसैन ने बदवा नहीं दी जबकि यकीन था अगर बददुवा करेंगे तो खुदा कबूल करेगा इम्तहान यही है ताकत के होते हुए ताकत को इस्तेमाल न करना ये इम्तहान अली अब नबी तालिब है बच्चे गाना बातें अली के घर पर हमला हुआ अली ने तलवार नहीं निकाली यह अली को अपने जैसा समझ रहा है यही तो इम्तहान अलीब नबी तालिब इससे पहले कि तुमको खल किया जाए इम्तहान लिया जा गया था आलम जर में आलम अरवाह में इसी तरह हम सबसे भी इम्तहान लिया गया है लेकिन हमें याद नहीं है याद इसीलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारी रूह हमारे बदन की तरफ मुतवजह है जब बदन से तवज्जो हटती है तो फिर इंसान को आलम बरजख भी दिखाया जाता है आलम जर भी दिखाया जाता है ये जो तहजीब नफ्स है इसका क्या मतलब है बदन को पहले रिलैक्स करो जब तक बदन रिलैक्स नहीं होगा अभी तक हम बदन की जरूरतों में जकड़े हुए हैं अभी तक शहवतों में हवाबोहस में पेट के भरने में अपनी ज्यादात की मोहब्बत में रूह मुतवजे होती है बदन के अंदर नहीं होती उसका फोकस होता है जब रूह का सबसे ज्यादा फोकस बदन पे हो गया तो रूह दूसरी तरफ मुतव नहीं होती लेकिन जब रू रिलैक्स हो जाती है रिलैक्स कब होती है जब रात को आप सो जाते हो अब तवज्जो बदन की तरफ नहीं बदन सो रहा है तो फिर ख्वाब में रूह कभी करबला भी जाती है कितने लोग है इस मजमे में जिन्होंने ख्वाब में कोई वाकया देखा और दो दिन के बाद वही वाकया रून हुआ हो कुछ तो ख्वाब झूठे होते हैं जिनका ताल्लुक आपके माइंड से होता है मेमोरी से होता है लेकिन वो ख्वाब जो सच्चे हैं क्योंकि सोते वक्त रूह रिलैक्स होती है बदन रिलैक्स होता है अब रूह को वक्त मिलता है वो तवज्जो करे बदन के अलावा अब रूह के लिए क्योंकि टाइम वैल्यू नहीं रखता रूह के लिए आने वाद यानी इस वक्त जो है वो सब चीज टाइम में नहीं चलती अब आपके लिए एक वाक्य दो दिन बाद हुआ रूह के लिए ऐसा नहीं है उसके लिए हर चीज क्या होती है हाजिर होती है तभी वो हिंदू मुर्ताज हो या पता नहीं बाबा बंगाली वाले हों लोग कहते हैं मौलाना फ़लाम इतनी करामत है कोई बड़ी बात थोड़ी है करामत है वो इतनी रियाजतें करते हैं अपनी तवज्जो बदन से कम करते हैं जब बदन से तवज्जो कम हो जाती है तो परवाज करना शुरू हो जाती है वो तो दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवजह होती है जब तू तवज्जो अपनी ज़ात और इस मटीरियल जिस्म से हटाएगा तब जाके तेरी तवज्जो ने करवा की तरफ जाएगी उस आलम की तरफ जहां पर जानी चाहिए तो कमाल अली इब्न नबी तालब ये कमाल अली नहीं कि अली तलवारबाजी करे इम्तान अली भी जिस चीज में महारत है तलवार को नया में रखा जाए कमाल अब्बास क्या है सिपह सालारे लश्कर वाक करबला जब पढ़ेंगे तो मिलता है जनाब अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन के पास आते फरमाते मौला अब मेरा सीना फटने लगा है अब तो इजाजत दीजिए मैं लड़ू जंग का सिपह सालार बेहतरीन जंगजू सफीन में जाते लोग कहते अली आ रहे हैं लोग पहचान नहीं पाते थे ये अब्बास है अली है इतनी महारत तलवारबाजी में और जंग के लश्कर के सिपह सालार को यह बोला जाए कि मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ ये इम्तहान है अब्बास है ना या मुमता न कि कल्ला इम्तहान सैयदा क्या है वह तबा हक व तबास साबर कहते हैं कसम है वक़्त सारे लोग खसारे में आए जिन्होंने अपने इमाम वक्त को छोड़ा जिन्होंने हुज्जत खुदा को छोड़ा खालत ला रामना और अपने काम ईमान ले आए कहाबीब कह, कह दीजिए इस्लाम लाए हो ईमान नहीं लाए ईमान तब इंसान लाता है जब वो हुज्जत खुदा को मानता है खिलकते आदमियत से यह झगड़ा रहा जत खुदा शैतान ने कहा परवर दिगा रहा तेरा कैंडिडेट नहीं मानूंगा अपना मानूंगा कभी का इन्नी जायलो का कभी का इस्ता का मैंने चुना मैंने इंतखब किया हजरत मूसा को तूर मैंने कहा वाक्यात की किताब नहीं है हिबरत की किताब है कोहे तूर पर जा रहे हैं हारून को छोड़ के कम कह रही है नहीं हारून को नहीं मानेंगे सामरी को मानेंगे उूदियों को कहा कि ईसा को भेजा है ईसा को नहीं मानेंगे मूसा को मानेंगे उसके बाद जो हम मानेंगे वो वोगा परवरदिगार तेरा जानशी नहीं हमारा तेरा कैंडिडेट नहीं हमारा तारीख इस्लाम पढ़िए रसूल खुदा ने कबीलों को मुसलमान बनाया एक मशहूर कबीला रसूल के पास आया क्या मोहम्मद तुझ पर ईमान लाएंगे शर्ती है तेरे जाने के बाद तेरा कैंडिडेट वो होगा हो हो जो हमारे कबीले से होगा नबी ने फरमाया इख्तियार मोहम्मद को भी नहीं यह अल्लाह का इख्तियार है जैसे वो चाहे उसे हुज्जत बनाता है और कुरान की बेहतरीन आयत बेहबल्ला है जमिया अल्लाह की रस्सी को थामो एक होता है तजाफी एक होता है तजल्ली इन दो लफ्जों में बड़ा फर्क है तजाफी का मतलब पानी उबला और बुखार बन के ऊपर गया स्टीम हो ऊपर गया कतरा बना कतरा बन के जमीन पे गिरा अब जब ये गिरता है तो फिर ऊपर नहीं जाता तजली का मतलब क्या है उसके अंदर वो रस्सी फेंके एक रस्सी जो जुलमतों के अंदर है उसके हाथ में हो उसका एक सिरा दूसरा सिरा किसके हाथ में हो आपके हाथ में हो यह अल्लाह लजीना इला नूर जुलमतों से निकाल के नूर की तरफ लाता है कवातसिमु बिहबलिल्लाह सब हबले खुदा को थामो और यह कहा कि हबलु मिन अल्लाह व हबलु मिन अन्नास इसके दो सिरे हैं एक अल्लाह की तरफ से जिसको नबी बोला जाता है रसूल और हबलु मिन अन्नास दूसरा सिरा लोगों की तरफ से अब लोगों की तरफ से कौन होगा झगड़ा इस पर अल्लाह कहता है वो हो जिसे मैंने बनाया उम्मत कहती है नहीं वो हो जिसे हमने बनाया लेकिन यहां पे थोड़ी लॉजिक भी इस्तेमाल करें भाई वो हो जो इससे मिसमैच ना हो मिसाल के तौर पे अगला बंदा लोहा लेके खड़ा है और आप लकड़ी दे रहे हो उसे तो करंट ही नहीं मिलेगा जो खुदा ने भेजा है उस हबल का रंग भी वैसा होना चाहिए जैसे नबी का रंग है ना कहाना वाली सेहमु लहमी जिसमी दम क दमी मिसमैच नहीं होना चाहिए अगर ऊपर वाला आलिम है नीचे वाला भी आलिम होना चाहिए अगर ऊपर वाला पाक है तो नीचे वाला भी क्या होना चाहिए पाक होना चाहिए फरमा ये हुज्जत खुदा हैं इस हुज्जत पे ही झगड़ा चलता रहा अम्बिया का झगड़ा और खुदा ने भी कहा बनी इसराइल ने हुज्जतों का इनकार किया कत्ल किया अंबिया को मारा अल्लाह ने कहा मैंने बनी इसराइल से ईसा को उठा लिया और बनी इसमाइल के मानने वालों ने जो मुसलमान हैं इन्होंने ग्यारह हुज्जतों को कत्ल किया अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे अंदर से महदी को उठा लूंगा अब तायामत जाओ जिसे हुज्जत बनाना है बनाओ उम्मत ने मुख्तलिफ हुज्जतें बनाई खिलाफत भी आई मुलूकियत भी आई सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आज डेमोक्रेसी और जमहूरियत और पता नहीं माशा और किस किस चक्करों में हम फंसे हुए हैं कौन सा सिस्टम है जिसने मुसलमान को मुतमैन किया हो कौन सा नमाइंदा है जिसने मुसलमान को मुतमैन किया हो कि जब तक खुद भटककर मेरे दर पर नहीं आओगे और दुआ नहीं करोगे कि खुदा महदी को भेजो तब तक महदी को नहीं भेजूंगा आज मसीहियत गिड़गिड़ा रही है कहे खुदा ईसा को भेज आज उम्मत मुसलमान गिड़ा रहे हैं। खुदा किसी मुंजी को भेज किसी मददगार को भेज क्योंकि जब तुमने हुज्जतों को इनकार किया अब हुज्जत तमाम किसने की मैंने कहा हुज्जत दो तरह से तमाम होती है हुज्जत तमाम की सैदा ने इम्तहान देकर यानी अगर मदीने में सैदा कुर्बानी न देती हुज्जत तमाम ना होती फरमाते अगर करबला में जनाब अली असगर की शहादत ना होती हुज्जत तमाम ना होती अकबर को शहीद किया का जवां था हजरत अब्बास के बाजू कलम किए का जमा था लड़ने आया था आज बड़ी सख्ती से वह भी इस चीज का इनकार करते हैं कि जनाब अली असगर पे हरमला ने तीर चलाया था कहते नहीं तीस चालीस तीर चले थे ये बात तो घुमाने के तो बड़े होशार है ना क्या जंग जमल भी ऐसे ही हो गई वो उधर से निकले वो उधर से निकले और आकर में शेर शिकर होकर चले गए एक तो हदीस के हमारे इंग्लिश पढ़ाते थे उसद भी थे मैंने कहा जंगे जमल भी इतने असाब रसूल मारे गए क नहीं कोई मरा ही नहीं था आए थे कोई तीर ही नहीं चला चले भी थे हवा में थे जमीन पर गिरे कोई मरा नहीं ऐसे चले गए मैंने कहा आप कहां से बात कर रहे हो बस हमारा ये है यकी चालीस तीर चले थे इतफाक से एक तीर आया और अली असगर के गले पर लगा यहां तक बोला खून हुसैन के हाथों में थोड़ी गिरा था वो तो घोड़ा था उसके कदमों में खून गिरा था क्यों इनको पता है शहादत अली असगर ने हज्जत को तमाम कर दिया बड़े से दुश्मनी होती है बच्चे से कैसी दुश्मनी सकीना से कैसी दुश्मनी अबी जहनब से कैसी दुश्मनी जंग मर्दों की होती है बच्चों का क्या जाए उसमें इसी तरह मदीने में अगर बीबी न होती अली को लेकर जाते हुज्जत थोड़ी तमाम होनी थी सैयदा का आना शख्सियत इतनी बड़ी है ना अली के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि अली अब नबी तालिब तलवार नया में रखे सैयदा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यह था कि दिफा इमामत में दरवाजे पर आए यह अजब है कि घर में जुबैर मौजूद है अबाजर मौजूद है सलमान मौजूद है अलियब अबी तालेब मौजूद है पांच से छह लोग घर में मौजूद थे और जब दरवाजे पे दस्तक होती है तो सैयदा फातिमा दरवाजे पे जाती है को तमाम करने के लिए मैंने कहा हुजत इलमी दो तरीके से हुज्जत तमाम होती है इल्म के जरिए से दूसरा नूर के जरिए से इल्म के जरिए से दलील दो सैदा ने दरबार में दलीलें दी इलमी हुजत मुझे पहचानो मैं कौन हूं इलमी हुज्जत मेरे गवाह हसन व हुसैन है इमी हुजत असमा बिन त्योमैश्जत है और रसूल ने कहा था हर औरत की गवाही आदि है इसकी पूरी है हजत तमाम करती गई कुरान की आयतें पढ़ती गईं दलीलें देती में इल्मी हुज्जत को तमाम किया रसूल ने ना लफ्ज हाज है, हाज जक हुज्जत तमाम कर रहे नबी मुबाहिला में मसीहों पर हुज्जत तमाम हो चुकी थी कभी दलीलें दे रहा हूं हुज्जत तमाम कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर लेकिन मुझ मोहम्मद को पता है ना तुम शराब छोड़ना चाहते हो न सूवर का गोश छोड़ना चाहते हो तभी मोहम्मद को नहीं मान रहे अपनी जत की खातिर अब आओ मुबाहिला करते हैं दूसरी हजत है नूर के जरिए एक कमरे में अंधेरा है आप अंदर चले गए और आपका पांव गिलास को लग गया प्लेट को लग गया गिलास टूट गया कयामत के दिन परवरदिगार आलम ने कहा तुमने गिलास क्यों तोड़ा आपने कहा परवरदिगार दिखा रहा जुलमत थी अंधेरा था नजर नहीं आया एक मरतबा कमरे में लाइट जल रही है आप देख रहे हो गिलास पड़ा है और पाव मारते हो अब कयामत के दिन ये नहीं बोल सकते मुझे नजर नहीं आया अल्लाह कहेगा हुजत मैंने तमाम कर दी हम अल्लाह की तरफ से हुज्जत है और हमारी दादी हम पर हुज्जत है सैयदा ने हुज्जत को तमाम किया सबसे बड़ी फजीलत जो अजवा रसूल के लिए बयान की जाती है वो कौन सी है बीवी तो लूत की भी थी बीवी तो नू की भी थी बीवी तो याकूब की भी थी दूसरे अंबिया की बीविया रसूल खुदा की बीविया इन बीवियों को उन बीवियों पे बर्तनी क्यों है एक ही कुरान की आयत है अए मुसलमानो ये तुम्हारी माए है मोमिनीन है यही बरतरी है ये तुम्हारी माए है दूसरे नबियों की बीवियां तुम्हारी माए नहीं पर तुम माए है पर मोहम्मद की बीवियां तुम सबकी माए हैं इनसे निकाह करना हराम है लकब मिला मोमिनीन उमोमिन मुस्लिमीन कितना नाश करता है मुफ्ती कितना नाश करता है मौलवी कितना नाश करता है मुसलमान कि नबी की बीवियां मोमिनों की माए हैं इतना बड़ा मकाम के मोमिनों की माए लेकिन होश के नाखुन ले जिसके लिए नबी ये कहे कि उम अबिहा मोमिनों की मां नहीं मोहम्मद की मां जो मोमिनों का सरदार है जो पूरी उम्मत का सरदार है क्या ये ढकी छुपी रिवायत है हर मानता है कि नबी ने कहा था उम अबी हा ये अपने बाप की भी मां है अब सोचो इस बीबी का मकाम कितना बुलंद है मैंने कहा कुरान हर चीज का क्लू देता है आपको लेना चाहिए यह बोला जाए कि सैयदा मुसफ सैयदा के बारे में मुतवातिर हमारे पास रिवायतें हैं मुख्तलिफ अखबार से एक थे डायरेक्ट जबरी लाया एक है मुबाशरतन खुदा ने बीबी को दिया एक है रसूल को बताते गए और रसूल को देते गए और मेरे पांचवा फरमाते हैं हमसे अगर कोई मसला पूछा जाता है हम अपनी माँ के मुसहफ की तरफ रुजू करते हैं अब जरूरी नहीं किताबी सूरत में हो जहनी सूरत में भी हो सकता है मुसफ सैदा अब मुसलमान कहते कैसे मुमकिन है जब्राइल तो अंबिया पे आता है आपने कहा नबी की बेटी पर जब्राइल आता था तो अल्लाह ने कहा मैंने कुरान में मरियम की मिसाल दी है जब मरियम जब्रील से बातें कर सकती है तो उम्र अभी हा बातें क्यों नहीं कर सकती हाँ। दलील मौजूद है अगर मुसलमान कुरान पढ़े बीबी ने हुज्जत को तमाम किया नूर आया हो गया एक खुतबा दूसरा खुतबा एक एक मुसलमान के दरवाजे पे जाती हैं मुझे पहचानो मैं कौन हूं हु? हुज्जत रसूल ने तमाम की अपने जाने से पहले रोज आते थे और दरवाजे पे खड़े होके कहते थे या सारे मुसलमान देखते थे सब ने बताया कि बेटी के एहतराम में कभी खड़े होते थे कभी सामने से, से गुजर जाती थी ना सैदा तो नबी सर झुका लेते थे इतना बड़ा मकाम इस बीबी का बीबी ने उम्मत पे हुजत को तमाम किया अब कोई बहाना नहीं देखिए दो तरह के काफर होते हैं ना एक काफर है काफर, हाथ गीला है हाथ मिलाओ बंदा नजिस हो जाता है इसने अल्लाह की तोहद का इनकार किया कुफर का मतलब इनकार है एक वो काफर है जिसने अल्लाह के हादियों का इनकार किया है यह कुफर भी बड़ा खतरनाक है कि जिनको अल्लाह ने हुज्जत बना के भेजा तुम्हारे लिए तुम्हारी कामयाबी के लिए लेकिन हम उसे छोड़ दें ये याद रखिए अहलबैत कोई ऐसा सिम्बलिक शख्सियतें नहीं है कि अयाम फातमिया में सैदा को याद करें अयाम मुहर्रम इम हुसैन को याद करें नहीं ये सिर्फ शख्सियत नहीं है तो मश है कि अगर वाकी मुंतजर होकर जिंदगी गुजारनी है तो सैदा सबसे पहले मुदाफ विलायत हैं जिन्होंने अपने इमाम जमाना का दिफा किया है और दिफा करके मिनों को अपनी बेटी को अपने बेटों को सैयदा ने यह सिखाया कि अगर विलायत की बात आ जाए दिफा इमामत की बात आ तो देने से भी गुरेज न करना आ गई दरवाजे पर और जिस तरह सैयदा ने पहले अली का दिफा किया इसी तरह सैयदा की बेटी ने कूफे बाजार में अली जैन का दिफा किया ये हजरत तमाम वल्ला अगर आज का मुसलमान इस हजत से सबक न ले कयामत के दिन इसके हाथ खाली होंगे अल्लाह कहेगा मैंने दोनों हजतें तुम्हारे लिए तमाम कर दी कुरान की आयतों की रोशनी में तारीख की रोशनी में एक बूढ़ा शख्स जिंदगी के आखिरी लम्हात में मकतबेलबैत में आया इससे ये पूछा कि आप किस तरह इस मकतब में आए कौन सी चीज है जिसने आपको अट्रैक्ट किया का किसी मेंबर से सुन रहा था एक शिया रहा था कि नबी की बेटी एक बाग के लिए जमीन के टुकड़े के लिए वक्त के बादशाह के पास गई और कहा कि यह मेरा है मेरे बाबा ने मुझे दिया है और उसी जाकर ने कहा कि उन्होंने नबी की बेटी को खाली हाथ लौटा दिया कहती बात मुझसे हजम नहीं हुई हम गांव के लोग सादात का इतना एहतराम करें और उसने चैलेंज किया किसी भी मुफ्ती और मौलवी से जाके पूछो नबी की बेटी कुछ लेकर आई थी या खाली हाथ आई थी फैसला तुम कर लेना मैंने कहा झूठ बोल रहा है मस्जिद का मौलवी था उसके पास क्या मैंने कहा मौलाना क्या यह सच है कि नबी की बेटी मांगने गई थी उन्होंने कहा हाँ ये ये तारीखी मशाइल है आप क्यों सवाल करें कहीं मुझे सवाल ये मांग रहा का मांगने गई थी ये बताइए कुछ मिला था या खाली आता ही थी क्या नबी की ये हदीस थे नबी का ये फरमान था कहीं नहीं मुझे वो नहीं सुनाइए बस इतना बताइए खाली हाथ आई थी या कुछ लेकर आई थी इशरार किया उसने कहा सीधी सीधी बात ही है नहीं मिला था खाली आता ही थी कहता मैंने मुफ्ती को कहा अगर मेरे दर पे कोई सैयद जादी भी आए ना नबी की बेटी नहीं उसकी बेटी की औलाद में से सदियों के फासले के बाद कोई सैयद जादी आए और कोई झूठा दावा ही करे लिया तो बिल्ला ये जमीन का टुकड़ा मेरा है का मैं उसके हसब को देख कर नसब को देख कर खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा वो तो मुस्तफ़ा की बेटी थी मैंने कहा ना अली का इम्तहान ये था तलवार नयाम में रहे या नकी नकल्ला सैयदा का इम्तहान क्या था हिजाबुल्लाह जिस बीबी -बी का लक़ब है मदीने में किसी ने बीबी -बी की आवाज तक न सुनी अगर मेरी माओ बहनों को जानना है ना कि सैयदा का हिजाब क्या था खुतब फतकिया के इब्तदाई जुमले पढ़ ले कि बीबी किस हिजाब में गई थी इस बीबी के लिए मकाम इम्तिहान यह है जिसने जिंदगी में ना महरम से बात नहीं की, कीफा इमामत के लिए हुज्जत अगर तमाम होगी तो फातिमा से होगी अली जाएंगे तो लोग कहेंगे शौक हुकूमत है बेटे जाएंगे तो बाप के दिफा में ये फातिमा है नबी की बेटी है कभी किसी से बात नहीं की नाबीना ना आए तो सामने नहीं आते कोई नाम महरम मासूम के बदन की खुशबू भी न सूंगे और ये बीबी दरवाजे के पीछे आ गई होज्जत तमाम करने के लिए कल हवाले दूंगा किताब अ इमाम वसिया उसको जरूर पढ़ा करें जब ये लोग गए ना मैंने कल भी कहा था इनकी प्लानिंग में नहीं था कि बीबी आएंगी घर में इतने लोग थे कोई और आएगा और आएगा झगड़ा होगा झगड़े के दरमियान लड़ाई होगी इस लड़ाई के दरमियान जैसे मारना है मार दिया जाएगा ये तो था ही नहीं कि नबी की पेटी दरवाजे पर आएंगी <laughs> कहते कई लोग गए लेकिन जब दरवाजे पे दस तक दी तो अंदर से आवाज आई एक खातून की आवाज आई अक्सर ने समझा कोई कनीज है का अली को बोला जाए और इन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तुम में से कोई अली को नहीं ले जा सकता कहा आप कौन हो का मैं फातिमा हूं कहते हैं, आधे लोग पीछे हट गए कहा यहां तक आए हैं आगे हम में हिम्मत नहीं कम आगे बढ़े एक बदबخت है जिसका नाम मीम से शुरू होता है और कहते हैं जब अली को लेकर जा रहे थे तो बीवी ने कहा अगर ये ना होता मैं कभी अली को जाने न देती वही है जिसने गलाफ शमशीर से सैयदा के बासुओं पे मारा था अब कमाल सैयदा देखिए इस हाल में कली को खींच के ले जाया जा रहा है और दामन अली में सैदा का हाथ है उस वक्त भी विलायत की फजीलत की कसीदे पड़ रही हैं और बुलंद बुलंद आवाज में कही अली खैरों का खैरी व शरों का खैरी अरे अली तेरा खैर मेरा खैर है और जुमला बड़ा अजीब है वह का खैरी अली तेरा शर भी मेरे लिए खैर है मतलब उम्मत को यह बताना चाहती है अली में शर है ही नहीं अली खैर ही खैर है कि तुम जिसे लेकर जा रहे हो वो तुम्हारे लिए खैर है वो मेरे लिए खैर है ये इमाम वक्त है लेकिन फरमाते उसने गला फ से इतना मारा बीबी रुक जाती लेकिन अचानक से फरियाद की फिजा मेरा मुहसिन शही हो गया फरमाते हैं मजलूम अव्वल अगर कोई तारीख में है वो अली अब नबी तालिब है अरब के लोग आते थे अली से सवाल करते थे क्योंकि मशहूर था सलोनी सलोनी कपल के दो अली एक मामूली सा सवाल है हम में बहस हो गई है ने का पूछो का अली मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है इमाम ने कहा तू बता बताली मेरा मानना है अगर मर्द कर्जदार हो मुफलिस हो सबसे बड़ी मुसीबत है दूसरे से कहा तू बता अगर मर्द बे औलाद हो तीसरे से कहा तू बता अगर मर्द बीमार हो ये बताते गए अली कहते गए नहीं ये मुसीबत बड़ी नहीं दूसरे को कहा नहीं ये मुसीबत बड़ी नहीं तीसरे को कहा नहीं ये मुसीबत बड़ी नहीं तीनों ने कहा अली अब आप बताइए मर्द के लिए मुसीबत बड़ी सबसे क्या है कहता है, ये सवाल करना था ना अली के चेहरे का रंग दूध की तरह सफेद हो गया ये है। ये है, है। किसी सवाल के जवाब में अली हिचके चाहे नहीं लेकिन जब ये पूछा ना अली आप बताइए का चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया पूछने वाला कहता है अली खड़े थे जमीन पर बैठ गए छोटे बच्चों की तरह रोने लगे कई अली गलती हुई तो माफ करिए हमने एक सादा सा सवाल किया रो क्यों रहे का सवाल ऐसा किया तुमने अली के जख्मों को ताजा कर दिया का खुदा की कसम अगर नबी की वसीयत न होती का मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है वो फाते है खैबर हो वफात है खको व फ है पद्र हो नैनो और उसके सामने उसकी बीवी को मारा जाए कुछ कर न सके व तबा सऊब व तबा सऊर हुसैन ने खून अली असगर को देखा और का नाना मैं इन दो की शिकायत करूंगा अगर वो दिन ना होता आज हुसैन को ये दिन देखना न पड़ता अपने हाथों से अपने हाथियों के गले काटे गए 34 से चालीस दिन या साठ दिन के अरसे से ज्यादा अठारह साल की जवान थी बीबी जिंदा न रह सके अगर मुसीबतों को ना भी मानो सैदा की शायरी तो थारे बरेलवी हजरात भी पढ़ते हैं कि सुब्बत मसा मसाइबन बाबा तेरे जाने के बाद वो मुसीबतें आईं दिनों में आती रात में बदल जाते पूछो तो है कौन सी मुसीबतें थीं कफरा के रसूल में फिर खुदा का तो हुक्म है ना किन्ना ला इन्ना जो राजून मौत पे सब्र किया करो नबी की बेटी भी बे इतनी मुसीबतें आई कि तीस से साठ दिन से ज्यादा जिंदा ना रह सकी रातों को रोती थी तो कहती थी अली सैदा को कहो दिन को रोया करें दिन को रोती थी तो कहते थे रातों को रोया करें किसी ने कहा तुम्हें सैदा के रोने से मसाला क्या है दिन को भी रोकते हो रातों को भी रोकते हो कब मसाला नहीं है लेकिन जब सैयदा रोती है ना हमारे छोटे बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं फरमाया हम हर मुसीबत बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अपनी अम्मा जहरा की मुसीबत हमसे बर्दाश्त नहीं होती दिलों को करबला लेकर चलें सलाम करें इस बीबी की जात पे सवाब जारत हुसैन यतीमी हुसैन को सलाम करें अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला लब मिलके आवाज से असल हो अला बुलंद आवाज से ओ वा अला, अला दे हो अलाब सब मिलके उस अला उसल हो अला अली बना हो अला सब मेरा सलाम हो जैनब के यतीम बे अल्लाह बचपन में किसी बच्चे को यती मना बना अजीब आलम है सैदा जैनब की यती मिंग फरमाया फिजा मेरी जैनब को बुलाओ मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ मुलासन फरमाते हैं जब जनाज अले के घर के बाहर आए अली को किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई फरमाया हसन ये गौन जरूर आ गए रोकेगा बाबा ये बहन जनब बच्चिया भी माँ से बड़ा प्यार करती हैं रोते रोते भी, भी जैन अब माँ के कमरे में आए फरमाती है मैंने क्या देखा जख्मी बाजू में तस्वीर थी जिक्र खुदा में मशगूल मैं तभी कहता हूँ शियो जब नमाज के बाद तस्बीह से पढ़ो तो खुदा को टूटे हुए बाद का दिया करो किसी ने कहा मौलाना क्या दुआ करे मैंने क्या दुआ करो खुदा इमाम जमाना का दूर करे उस जालिम से बदला ले जिसने आग का दरवाजा गिराया मकदूल बे करबला बड़े अदब से माँ के सामने बैठी का कुछ वसीयतें करना चाहती हो उम्र चार पांच बरस है धीमी सी आबाद में काजैनब संदूक से गठरी निकाल के लाना सैदा जैनब ने संदूक से गठरी निकाली अम्मा जहरा के सामने रखे का जैनब मेरे बाजू में ताकत नहीं जहमत न हो जरा गठड़ी को खोलना बीबी जैनब फरमाती है मैंने गठड़ी को खोला गठड़ी के अंदर चंद सफेद थे एक मरतबा गफन निकालो गजाइन अब ये मेरा गफन रोके कहने लगी अम्मा तेरे बजे अब कैसे जिये गे काज अब ये गफन बाबा को देना ये मेरा गफन उंगुल मसाहिबा भी बिजाइन रोती हुई आंखों से बीबी जैनब ने कफन लिया एक मरतबा गठड़ी से दूसरा कफन निकाला बीबी जैनब कहती है मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह करे ये जैनब का कफन जैनब ने माँ का जनाजा देखा पर बाबा का जनाजा न देख जैनब मर जाए पर बाबा का मरना न नान एक मरतबा दूसरा कफन दिया मैंने कहा माँ ये किसका कफन कजैनाब ये तेरे बाबा अली का कफन उसम तेरे बाबा के सर पे सरबत मारेगा रोती हुई आंखों से बाबा का कफन लियो अब कहती है दिल ही दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह करे अगला कफन जैनब कहो मैं हसन का मरना न देख। मैं गैसैन का मरना न नद गरतबा तीसरा कफन दिया का जैनब ये मेरे हसान का कफन अब जैनब का कले जा फटने लगा आमद का मंजर था जब बीबी ने आखिरी कफन दिया अब गठड़ी खाली हो चुकी एक कफन बाकी था जैसे वो कफन उठाया मैं दिल में दुआ कर रही थी अल्लाह जैनब हुसैन का जाना न देखे मैंने रोतुया घो से कहा अम्मा ये मेरा है कहा नहीं ये भी तेरे हसान का है मैंने कहा माँ हसन का कफन दो तो दिया का मेरे लाल को तो बर्तवा कफन भी आ जाएगा ओ जनाजा से रस चल <laughs> कुरबान भी बिजाय नब के मजलूम सारे कफन लिए अब दिल ही दिल में का अल्हम्दुलिल्लाह अ खुदा तेरा शुक्र अम्मा ने हुसैन का कफन नहीं दिया कयामत का मंजर था, बस ये कहना था कहा जानब बेटा संदूक से कुर्ता लाला, जैसे कुर्ता उठाया अम्मा ये किसका का कुर्ता है जैनब ये मेरे हुसैन का कुर्ता है अम्मा क्या हुसैन का कफन नहीं करबला मेरा ओ प्यासा मारा जाएगा बेकफन मारा जाएगा <laughs> मैं कुर्बान बीबी जय बे जब वक्त खुदा हाफिजाया ख़ेमे में माँ में हुसैन आए कब बहन जैना अब अम्मा का देना, भाई को कुर्ता पहनाया जाते जाते भाई के गले पे बहुसा देने लगे जैनब क्या कर रही हो हुन अम्मा की वसीयत मैं तेरे गले पे वो साध लेकिन हाय जैनब की किस्मत अला, अला, अला कौमी परवरदार सैदा के उजड़े हुए घराने का वास्त हमारे मौला और का इमाम का जहूर फरमा हम सब को मौला के आवान और अनसार में शरीक फरमा हम सब के सगीर कबीरा गुनामा फरमा उज्जत खुदा इमाम ज़माना का जहूर फरमा हम सब को मौला के आवान और अनसार में शरीक फरमा रबना चकब्बल मन्ना इन समी तस्मय